सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि अगले आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। बॉलीवुड की सदाबहार अभिनेत्रियों ने अपने मेहनत के दम पर भारतीय सिनेमा को उन ऊंचाइयों पर पहुंचाने का काम किया जिसकी बदौलत आज बॉलीवुड की फिल्में पूरी दुनिया में धमाल मचा रही हैं। उन्हीं अभिनेत्रियों में से 15 जून 1929 को लाहौर पाकिस्तान में जन्मी अभिनेत्री सुरैया जमाल शेख थी जो फिल्म अभिनेत्री और पार्श्व गायिका थी। सुरैया का सदाबहार अभिनेता देव आनंद के साथ अफेयर के काफ़ी चर्चे थे और देव आनंद के लिए अपने सिंगिंग करियर को भी छोड़ने को तैयार थी। इतना ही नहीं, इनसे शादी करने पर देव आनंद को जान से मारने की धमकी की भी खबर थी। फिर भी देव साहब ने चुपके से शादी करने की कोशिश की, लेकिन शादी वाली जगह से सुरैया को इनकी दादी के द्वारा घसीटते हुए घर ले जाना और फिर देवानंद को हीरे की अंगूठी को समुद्र में फेंकना, इतना अपार प्रेम होने के बावजूद भी प्यार में असफल होने का क्या कारण था। आज हम पाकिस्तान में जन्मी और 37 साल के फिल्मी करियर के बाद अचानक से फिल्मों में अपने बंद करना और इनके जीवन की बहुत सारी बातें हैं जिसके बारे में आपको बताने वाले हैं, लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। सुरैया के पिता का नाम अजीज जमाल शेख और माता का नाम मुमताज शेख था। जब सुरैया 1 साल की थी तब इनके माता पिता आकर मुंबई के मरीन ड्राइव में रिस महल में रहने लगी। इनके मामा मोहम्मद जहूर थे जो कि 1930 के दशक की फिल्मों के मशहूर खलनायक थे। इन्होंने न्यू हाई स्कूल में अपनी पढ़ाई की जिसे अब जेबी पेटिट हाई स्कूल फॉर गर्ल्स के नाम से जाना जाता है। इनके बचपन के दोस्त राज कपूर और मदन मोहन थे जो कि इनके साथ ऑल इंडिया रेडियो पर बच्चों के लिए कार्यक्रमों में गाना गाती थी। इन्होंने बाल कलाकार के रूप में तमन्ना, स्टेशन मास्टर, हमारी बात फिल्म में अभिनय किया। इन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत साल 1936 में जद्दन बाई की फिल्म मैडम फैशन में बाल कलाकार के रूप में की थी। साल 1941 में सुरैया स्कूल की छुट्टी के दौरान अपने मामा मोहम्मद जहूर के साथ ताजमहल फिल्म की शूटिंग देखने के लिए मुंबई के मोहन स्टूडियो गई हुई थी जहाँ पर फिल्म निर्देशक नानू भाई वकील ने इनके आकर्षण और मासूमियत को देखा और ताजमहल फिल्म के लिए मुख्य किरदार मुमताज महल की भूमिका के लिए सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद सुरैया ने 1942 में कानून, 1946 में परवाना, अनमोल घड़ी, दर्द, मिर्जा गालिब, समा परवाना, कंचन, मालिक, मिस्टर लंबू आदि जैसी हिट फिल्मों में अभिनय किया। जब सुरैया बाल कलाकार के रूप में आकाशवाणी पर बच्चों के कार्यक्रम के लिए गाना गा रही थी तो संगीत निर्देशक नौशाद अली ने इनकी आवाज़ को सुना और इतने प्रभावित हुए कि सुरैया को 13 साल की उम्र में फिल्म शारदा के लिए गाना गवाया। इसके बाद सुरैया ने अनमोल घड़ी, दर्द, दिल लगी और दास्तान जैसी हिट फिल्मों में गाना गाया। 1940 के दशक के अंत में सुरैया की देवानंद के साथ 1948 में विद्या फिल्म रिलीज हुई। जब विद्या फिल्म की शूटिंग हो रही थी तो उस समय देवानंद और सुरैया एक दूसरे के इतने करीब आ गए कि इनके अफेयर के चर्चे बॉलीवुड की गलियों में आग की तरह फैल गई। दोनों में अपार प्रेम हो गया। देव आनंद सुरैया को नोसी कहकर पुकारते थे और सुरैया देव साहब को स्टीव कहने लगी थी। सुरैया को देव से इतना प्यार था कि इन्होंने देव के साथ अधिक समय बिताने के लिए लता मंगेशकर को अपनी जगह गाना गाने को दिया ताकि समय बचाकर देव आनंद के साथ रह सके। इतना ही नहीं, ये देव आनंद के लिए अपना सिंगिंग करियर छोड़ने को तैयार थी। यहाँ तक कि सुरैया अपना खत देव आनंद तक पहुँचाने के लिए अभिनेत्री कामिनी कौशल को भेजती थी। साल 1949 में जीत फिल्म की शूटिंग के दौरान देव आनंद और सुरैया ने मंदिर में चुपके से शादी करने की योजना बनाई, लेकिन किसी ने इस बात की खबर को सुरैया की दादी के पास पहुंचा दी। दादी ने सुरैया को शादी वाली जगह से घसीट कर ले गई। एक इंटरव्यू में सुरैया ने कहा कि मेरी दादी और मामा ने देव आनंद को जान से मारने की धमकी दी थी। फिल्म नीलमा की शूटिंग के दौरान दोनों ने भागने की असफल कोशिश की। इसके बाद देवानंद ने सुरैया से शादी करने के बारे में पूछा तो सुरैया ने कहा कि मैं आपकी मौत का कारण नहीं बनना चाहती। इतना सुनते ही देव ने सुरैया को थप्पड़ मार दिया। उस जमाने में देवानंद ने सुरैया को 3,000 रुपये की हीरे की अंगूठी गिफ्ट किया, लेकिन जब उनकी दादी को इस बारे में पता चला तो बहुत क्रोधित हुई और अंगूठी को समुद्र में फेंक दिया। बाद में सुरैया ने शादी करने से भी इनकार कर दिया और देवानंद के साथ फिल्म में अभिनय करने के लिए मना कर दिया। एक इंटरव्यू में देवानंद ने कहा कि सुरैया ने मुझसे शादी न करने के लिए हाँ कहा था क्योंकि उनके घर वालों ने उन्हें मजबूर किया था। साल 1951 में दोनों एक दूसरे से अलग हो गए और फिर सुरैया ने कभी शादी न करने का निर्णय कर लिया। सुरैया और देवानंद ने एक साथ अफसर, लाल कुंवर, शायर, चीर, नीलमा आदि सेठ फिल्मों में अभिनय किया।
साल 1963 में इनके पिता अजीत जमाल शेख की मृत्यु हो गई और उसी साल इनकी तबीयत भी खराब रहने लगी, जिसके कारण सुरैया ने फिल्मों से संन्यास ले लिया और फिर अपनी माँ के साथ रहने के लिए पाकिस्तान चली गई। साल 1987 में जब इनकी माँ की मृत्यु हो गई तो सुरैया फिर मुंबई वापस आ गई। वर्ली के अपार्टमेंट में अकेले रहने लगी। अभिनेत्री तबस्सुम, जो उनकी सबसे अच्छी दोस्त थी, अक्सर सुरैया से मिलती रहती थी। 31 जनवरी 2004 को सुरैया कई बीमारियों से ग्रस्त होकर इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कहकर चली गई। इन्हें मुंबई के मरीन लाइंस में एक बड़ा कब्रिस्तान में दफनाया गया। इनके अंतिम संस्कार में सुनील दत्त और धर्मेंद्र भी शामिल हुए थे। दोस्तों, आपको सुरैया की कौन कौन सी फिल्म अच्छी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।